आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को परमेश्वर के प्रिय भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन वचन संहिता में चल रही है। आज के हमारे पठन के लिए हम भजन 8 की ओर बढ़ते हैं, तो आज मिलकर भजन 8 का पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूतियों के द्वारा सामर्थ के नींव डाले हैं, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे और आदमी क्या है तो उसकी सुधि ले। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव और जंतु समुद्र में चलते फिरते हैं। हे यहोवा हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। भजन 8 का पहला वचन से लेकर आखिरी वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस पठन में हम गीतकार दाऊद को फिर से एक बार परमेश्वर की स्तुति करता हुआ, प्रशंसा करता हुआ, परमेश्वर की महिमा करता हुआ, उनके बारे में, उनके गुणों के बारे में, उनके लक्षणों के बारे में, उनकी वीरता, उनके पराक्रम के बारे में, उनकी सामर्थ, उनकी शक्ति के बारे में, परमेश्वर की क्षमताओं के बारे में वर्णन करता हुआ अपनी प्रशंसा के गीत में इन बातों का वर्णन करता हुआ सुनते हैं। परमेश्वर कौन है, क्या है और मनुष्य क्या है। मनुष्य तो केवल परमेश्वर के हाथों की रचना है, परंतु परमेश्वर तो स्वयं है। और परमेश्वर अपने पराक्रम से, अपने भुजबल से, अपनी सामर्थ से, अपने ज्ञान से, अपनी समझ से इंसान को बनाए हैं। परमेश्वर ने तो अपने हाथों से मनुष्य को बनाकर उसको रूप दिया है। मनुष्य की सृष्टि के बारे में बताते समय उसे किस प्रकार से संसार में लेकर आया है, इसे बताते समय भी वो चांद की ओर लेकर जाता है, सूरज की ओर लेकर जाता है, तारागणों की ओर लेकर जाता है और कहता है, परमेश्वर इन सबको तो आपने ही नियुक्त किया है, आप ही के हाथों की रचना है, आपके कारण ही हुआ है। और मनुष्य कौन है, उसकी सीमा क्या है, उसकी क्षमता क्या है, इसका भी वर्णन करते हुए कहता है, तो फिर मनुष्य क्या है कि उसका स्मरण तू रखे, आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। और जितने भी जीव जंतु हैं उन सबों के ऊपर, जितने भी प्राणियां हैं उन सबों के ऊपर, जितने भी पशु हैं उन सबों के ऊपर प्रभुता करने का अधिकार तूने उसको दिया है। जो समुद्र में रहते हैं, भूमि पर चलते हैं, आकाश में उड़ते हैं, सभी के ऊपर तो प्रभुता परमेश्वर आपने ही तो मनुष्य को दिया है। फिर मनुष्य क्या है कि परमेश्वर आप उसे स्मरण करने के लिए, उसकी सुधि लेने के लिए उसके पास उतर आते हैं। लेकिन इन सब के बीच में दाऊद अपने शत्रु को भूलता नहीं है, अपने शत्रु को हमेशा अपने ही नजरों में रखता है। दाऊद के हर वचन में लगभग देखते हैं, दुश्मनों के बारे में कहता है, उसे सताने वालों के बारे में वर्णन करता है, उसका पलटा लेने हेतु परमेश्वर कैसे उसके पक्ष में उसका होकर उसके लिए सिद्ध है, इन बातों का वर्णन करता है। वो कहता है, हे यहोवा हे हमारे परमेश्वर, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूतियों के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोके रखे। पलटा लेने के विषय हो, शत्रु के विषय हो, दाऊद के शब्दों में जिस तरह से अभी हमने सुना है, कभी वो दूर नहीं होते हैं। उनके बिना दाऊद के भजन लगभग कोई भी संपूर्ण नहीं होते हैं। दाऊद अपनी मन की बातों को खुलकर कहता है। दाऊद परमेश्वर को जाना है, दाऊद ने सृष्टि को जाना है, दाऊद ने परमेश्वर की सृष्टि कार्य को जाना है। और इसी कारण से वो कहता है, मनुष्य तो परमेश्वर हमसे छोटा है, तो फिर मनुष्य से मिलने के लिए आप अपने आप को इतने नम्र क्यों करते हैं। आप मनुष्य के कारण प्रभु उसके पास आते हैं, उसकी सुधि लेते हैं। क्या है मनुष्य परमेश्वर जिससे आप प्रेम करते हैं। दाऊद का कहना यह है कि परमेश्वर मेरे अंदर योग्यता नहीं है, मुझ में कोई काबिलियत नहीं है, कोई खूबी नहीं है, फिर भी परमेश्वर मेरी सुधि लेने के लिए आप मेरे लिए नीचे उतर आते हैं। मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ।
यह आपकी महानता है, यह आपके गुण है, यह आपके लक्षण है। अपने आप को दीन और नम्र करता हुआ, परमेश्वर के नाम की महिमा करता हुआ दाऊद को हमने यहाँ पर देखा है। वचन सुन रहे प्रियजनों, सच में मनुष्य क्या है कि परमेश्वर उसकी सुधि लेने के लिए उसके लिए नीचे उतर आए। इसका कारण केवल एकमात्र है कि परमेश्वर अपने संतान की नाई मनुष्य से प्रेम करता है। मनुष्य परमेश्वर के लिए सब कुछ है। ये सारी संसार को एक तरफ रखे और मनुष्य को एक तरफ रखे तो परमेश्वर की चाह, परमेश्वर की प्रेम केवल मनुष्य की ओर खींचा आता है। मनुष्य तो सारा संसार है, मनुष्य अगर नहीं है ये संसार कुछ भी नहीं है। इसलिए परमेश्वर जो अपने हाथों की रचना है मनुष्य से बेहद प्यार करते हैं और आपसे प्यार करते हैं, और मनुष्य में आप है इसलिए परमेश्वर आपसे बातें कर रहे हैं, आपसे प्रेम करते हैं। इसलिए आपके पास अपनी वाणी को लेकर आपकी शुद्धि लेने के लिए आए हैं। परमेश्वर की बातें सुनते रहिए, परमेश्वर की बातों को ग्रहण करते रहिए, उनके प्रेम को जानते रहिए, पहचानते रहिए, उसे ग्रहण करते रहिए, परमेश्वर की महिमा को देखते रहिए, परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर की शक्तियों को भी अनुभव करते रहिए और उनका इस्तेमाल भी करते रहिए, ताकि परमेश्वर अपने पराक्रमी कार्य आपके जीवन में करते हुए साथ ही साथ आपके माध्यम से इस संसार में एक गवाह के रूप में उन्हें प्रकट कर सके। ऐसे रूप को झुकाते हैं, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हम पर अनुग्रह दिखाकर, करुणा से, प्रेम से, चाहत से हमारी ओर आकर्षित होकर, हमारी ओर खींचे जाते हुए हमारे पास नीचे उतर आकर हमसे बातें करने वाले, हमें अपने सीने से लगाने वाले हमारे करुणामय, दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, आपकी दिव्य सानिध्य में अपने आप को देखने का जो सौभाग्य आपकी ओर से हमें मिलनी है, शुक्रिया अदा करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। एक और नए दिन परमेश्वर, नई सामर्थ के साथ, नई शक्ति के साथ, नए आशीर्वादों के साथ, नए अभिषेक के साथ प्रभु जी आपने हमें भरा, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आगे के समय परमेश्वर से इस जीवन को आपकी नजरों में लेकर आते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ में, शक्ति में, अगुवाई में इसी प्रकार से हमें चलाते रहिए प्रभु, हमसे बात भी करते रहिए, सारी महिमा को प्राप्त करते रहिए। प्रवेश मसीह के बादलों के आगमन का विलंब हो गया, कल सुबह फिर से मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने, हम सबको सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में संभाले रखिए। अगर ऐसा न तो प्रभु अपने राजमान सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। सारी दुआओं को सुनकर पिता अपने देवोत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रवेश मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर की अनुग्रह भरा दृष्टि और चाह से भरा हुआ मन निरंतर आपकी ओर खींचे आए। परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करते हैं, इसके बदले परमेश्वर एक अपेक्ष आपसे करते हैं कि आप भी उनकी ओर खींचे जाते हुए अपने प्रेम को उनसे प्रकट करें और उनकी राहों पर अपने आप को सिद्ध करें, परमेश्वर के स्वर के मार्ग में अपने आप को खड़ा करें, पवित्र वचनों के आधार पर चलते रहे, पवित्र आत्मा की शक्ति में, सामर्थ में, अगुवाई में निरंतर अपने आप को बनाए रखें, ताकि आपके कदम सीधे स्वर्ग भवन तक पहुँच पाए। इस प्रकार के आशीर्वाद जीवन परमेश्वर आपको निरंतर प्रदान करते रहे। हमारी सिद्धवार कामना के साथ आज के ध्यान श्री पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।